बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू फाद ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आई एम सर अब्दुल रहमान तुर्क, योर केमिस्ट्री टीचर। आज हम क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आइसोटोप्स। आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो है एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन, आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। ये आज के हमारे टॉपिक हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है इसकी। एटॉमिक द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन मौजूद होते हैं, किसी भी न्यूक्लियस में जितनी तादाद में प्रोटॉन मौजूद होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन मौजूद है। इन न्यूट्रल एटम द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक न्यूट्रल एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं इतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके अलावा दूसरे अल्फाज में भी हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, द एटॉमिक नंबर ऑल्सो इंडिकेट्स द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस। बाहर न्यूक्लियस के जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर कहला सकता है। न्यूक्लियस के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस, बाहर की साइड न्यूक्लियस के बाहर जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। द एटॉमिक नंबर इज जनरली डिनोटेड बाय जेड। आमतौर पे एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से। एग्जांपल देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब इसके अंदर 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। दिस मींस दैट ईच कार्बन एटम हैज 6 प्रोटॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन। हर एक कार्बन एटम के पास 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इसका मतलब उसके पास 7 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। द एटॉमिक नंबर इज रिटन एज। एटॉमिक नंबर को किस तरह से लिखा जाता है? सबसे पहले एटम का जो सिंबल होता है, जिस तरह कार्बन कार्बन का सिंबल सी है, तो सी के नीचे ये जो 6 लिखा हुआ है ये इसका एटॉमिक नंबर है। ये जो लिखा हुआ है ये इसका एटॉमिक नंबर है, नाइट्रोजन के नीचे जो 7 लिखा हुआ है। ये कुछ एटम्स हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसका मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होगा। इसी तरह कार्बन कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या 6 होगा। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारा है एटम वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6 है। इसी तरह नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे इतने ही प्रोटॉन होंगे न्यूट्रल एटम में। न्यूट्रल एटम याद रखिएगा। मास नंबर, मास नंबर क्या होता है? द टोटल सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। जी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम है जितने न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होगा वो उसका एटॉम मास नंबर कहलाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम के कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन मौजूद हैं न्यूक्लियस में वो उसका कहलाएगा मास नंबर। और मास नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। फॉर एग्जाम्पल, द सोडियम एटम हैज एटॉमिक नंबर 11 एंड द मास नंबर इज 23। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और इसका मास नंबर 23 है। एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब इसके पास 11 प्रोटॉन होंगे। प्रोटॉन कितने होंगे? 11। अब 23 इसका मास नंबर है, इसका मतलब कि उसके पास 12 न्यूट्रॉन है। 11 प्लस 12 क्या हो जाएगा? 23। तो और मास नंबर, मास नंबर को टॉप पे लिखा जाता है। सोडियम, सोडियम का जो सिंबल है Na होता है, तो Na के जो टॉप पे लिखा जाएगा वो मास नंबर होगा और जो नीचे बॉटम में लिखा जाएगा वो एटॉमिक नंबर होगा।
मास नंबर का हमारे पास फॉर्मूला है क्या, मास नंबर इक्वल है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, मास नंबर। मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है और प्रोटॉन्स, प्रोटॉन को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है और न्यूट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट किया है, एन से। ये फॉर्मूला काम आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। अब देखें ये सोडियम का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन है एंड 12 न्यूट्रॉन है। जितने प्रोटॉन होंगे इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 1 2, फर्स्ट शेल में 2 और सेकंड शेल में 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, 11 इसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोटॉप्स की डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछी गई है 2006 और 15 में ये इसकी डेफिनेशन आ चुकी है। द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर क्या रहेगा सेम, मगर उनका एटॉमिक मास चेंज होगा, डिफरेंट होगा। डिफरेंट जब एटॉमिक मास हो जाए तो वो आइसोटॉप्स कहलाता है। डिफरेंट आइसोटॉप्स ऑफ सेम एलिमेंट डिफर ओनली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटॉप्स में क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है एक ही रहती है, मगर न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट होती है, न्यूट्रॉन की तादाद चेंज हो जाती है। दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट द डिफर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है मगर फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के हमारे पास 3 आइसोटॉप्स होते हैं, कौन कौन से, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। ये 3 आइसोटॉप्स हैं। प्रोटियम, प्रोटियम में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और नो न्यूट्रॉन, उसके अंदर न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता है, इसके न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस की बात हो रही है, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन ही होगा, न्यूट्रॉन नहीं होगा। फिर दूसरा है ड्यूट्रियम, ड्यूट्रियम में क्या होगा, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन मौजूद होगा। डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ, डायग्राम में मजीद आपको समझ में आ जाएगा। देखेंगे हाइड्रोजन, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन है, ये एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है प्रोटियम में। ड्यूट्रियम में क्या, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, जितने प्रोटॉन होंगे इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। हमने न्यूक्लियस की बात की थी, न्यूक्लियस में यहाँ पर सिर्फ प्रोटॉन है न्यूट्रॉन नहीं, और यहाँ पे एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है। नंबर थर्ड क्या है, ट्रिटियम, ट्रिटियम में क्या, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होंगे। अब आप तीनों आइसोटॉप देखें, यहाँ प्रोटॉन एक मौजूद है, यहाँ पे प्रोटॉन एक मौजूद है, यहाँ पे प्रोटॉन एक मौजूद है, जस्ट न्यूट्रॉन की तादाद में चेंज होता गया, यहाँ कोई न्यूट्रॉन नहीं, यहाँ एक और यहाँ 2। तो आइसोटॉप में न्यूट्रॉन की तादाद चेंज हो जाती है और एटम वही रहता है, यहाँ पर एटम हाइड्रोजन ही है। प्रोटॉन की अगर हम तादाद चेंज करते हैं तो वो एटम चेंज हो जाता है, अगर हम न्यूट्रॉन की तादाद चेंज करेंगे तो एटम चेंज नहीं होता, आइसोटॉप्स में कन्वर्ट हो जाता है, मगर नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर आप इंक्रीमेंट कर लेते हैं तो एटम पूरा चेंज हो जाता है। आइसोटॉप्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के भी हमारे पास 3 आइसोटॉप्स हैं, जिनका मास नंबर क्या क्या है, ये मास नंबर जो है 16, 17 एंड 18। इट शोज दैट दिस एटम्स कंटेन 8, 9 एंड 10 न्यूट्रॉन्स। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन का हमें पता है एटॉमिक नंबर क्या, ये नीचे जो लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर 7 है और जो ऊपर लिखा हुआ है वो मास नंबर है, मास नंबर 16, मींस के 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन मौजूद हैं इसके पास। दस देयर आर 3 आइसोटॉप्स ऑफ ऑक्सीजन, फॉर एग्जांपल ये इनके स्ट्रक्चर बने हुए, ये मास नंबर है 17, 16, 17 एंड 18। प्रोटॉन सबके पास 8 ही है, यहाँ पे प्रोटॉन की तादाद क्या 8 ही है, बट न्यूट्रॉन की तादाद चेंज हो रही है 8, 9 और
10 न्यूट्रॉन मौजूद हैं। डायग्राम में देख लें, 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, ये 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है। इसी तरह यहाँ प्रोटॉन 8 ही है, न्यूट्रॉन की तादाद चेंज हो गई, 9 हो गए। इसी तरह यहाँ पर प्रोटॉन 8 और न्यूट्रॉन कितने हो गए, 9। तो ये आइसोटॉप्स होता है जब न्यूट्रॉन की तादाद चेंज हो जाती है। आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम के हमारे पास 3 आइसोटॉप्स हैं। यूरेनियम जो नॉर्मली होता है वो 234, यूरेनियम का एटॉमिक मास क्या होता है 234, उसके बाद ड्यूटेरियम आ जाता है जिसका एटॉमिक मास होता है 235, और थर्ड जो होता है उसका मास होता है 236। तो ये इसके यूरेनियम के 3 आइसोटॉप्स हैं। आई होप आज की आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मजीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग पा ग्रुप ऑफ एजुकेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दोबारा मिलेंगे इसी तरह की एक एजुकेशनल वीडियोस के साथ। अल्लाह हाफिज़।